समग्र गुजरात में जारे लोकसभा अने विधानसभा ने चूंटणी ना पड़गम वागी गया छे त्यारे गुजरात में कुल 5 विधानसभा पेटा चूंटणी योजावा जई रही छे। तेवी एक बैठक वागोडिया विधानसभा बैठक छे, त्यारे हवे आ बैठक परथी कांग्रेस माथी कनुभाई गोहिले नामांकन पत्र भरी दीधुं छे। नमस्कार, मैत्री मकवाणा ने आप जोई रह्या छो निर्भय न्यूज़। 2022 માં ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા વાઘોડિયા બેઠક પરથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટી આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ હવે તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા, ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીના સમયે પેટા ચૂંટણી પણ યોજાવા જઈ રહી છે, ત્યારે કનુભાઈ ગોહિલને કોંગ્રેસ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે। ત્યારે તેમના નિવાસસ્થાનેથી વિજય રેલી સ્વરૂપે તેઓ વાઘોડિયા ખાતે પહોંચ્યા હતા અને તાલુકા સેવા સદન ખાતે કનુભાઈ ગોહિલે નામાંકન પત્ર ભરી દીધું છે। ત્યારે હવે કનુભાઈ ગોહિલે આ મામલે શું કહ્યું તે સાંભળો આ વિડીયોમાં। कांग्रेस लास्ट थी, अपक्ष निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो जीते थे, बीजेपी सेकंड पे थी। पिछले किस तरह से आज पिछले 25 साल के अंदर में स्थानिक कैंडिडेट नहीं था, आया तो कहीं बीटीपी आया, कहीं और उम्मीदवार आया, कहीं जयेश भाई आया, कहीं और आया। तो क्या है कि स्थानिक के आजू बाजू रहने वाला, स्थानिक के बीच में रहने वाला कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए जनता अपने आप से परेशान हो के कम कौन सा प्रतिनिधि चुटे, इसीलिए कहीं पक्षों के अंदर में स्थानांतर कर गए। मगर अब सभी इकट्ठा हो गया है। रूपाला साहब एक बयान से पूरी गुजरात इकट्ठा हो गया है, तो मेरी वडोदरा वाघोड़िया भी इकट्ठा होगी और मेरे सारे सभी क्षत्रिय और सभी परिवार सभी कास्ट मेरे को आशीर्वाद देगा, ऐसा मेरे को भरोसा है। क्षत्रिय समाज का कितना फायदा होगा आपको और किस तरह से आपकी जीत की क्या रणनीति रहेगी? ये बरोड़ा और वाघोड़िया विधानसभा के अंदर में 248,000 वोट में 65% वोट क्षत्रिय का है, 12% वोट ओबीसी का है। हम स्थानिक क्षत्रिय है, मैं वडोदरा तालुका का अनगढ़ गांव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरी कास्ट का 40,000-45,000 वोट है, पूरी कास्ट का कई गांव मेरे वडोदरा तालुका में है और इधर कोई कास्टें नहीं है। मगर ये मैं उम्मीदवार हूँ, इसलिए किसी कास्ट के तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर हम बरसों से ये सभी समाज की सेवा किया है, हम एक दूसरे के अंडरग्राउंड में सभी लगन प्रसंग में कभी मरे टरे सभी हम व्यवहार रखता है, लोगों को हम उमड़कर से बुलाता है। तो हम वडोदरा तालुका में और वाघोड़िया तालुका में क्षत्रियों के दिल में हम उतर गया है, तो आने वाला समय में वो हमें आशीर्वाद देगा, वो हमें पक्का भरोसा है कि दोनों तालुका के जनता हमें आशीर्वाद देगा। कांग्रेस की ત્યારે જો મધુ શ્રીવાસ્તવ ફોર્મ ભરશે તો વાઘોડિયા વિધાનસભાની ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ બની જશે। હવે જોવાનું રહ્યું કે વાઘોડિયા વિધાનસભામાં 2 પાંખિયો જંગ થાય છે કે પછી મધુ શ્રીવાસ્તવની એન્ટ્રીથી 3 પાંખિયો જંગ જામશે। અમારો રિપોર્ટ તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવશો। લોકસભા ચૂંટણીને લગતા આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ માટે આપ જોતા રહો નિર્ભય ન્યૂઝ। અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર।